रतलाम में मामला कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा के दुष्कर्म से जुड़ा है। रतलाम गैंगरेप मामले में दोनों नाबालिग को कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 8 घंटे का न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड दिया गया एवं 5 आरोपी को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल से जाने के दौरान सलाना बस स्टैंड ओवरब्रिज पर रास्ते में ही पुलिस वाहन खराब होने के कारण 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उसके बाद सकुशल जिला अस्पताल से अतिरिक्त वाहन कर पुलिस थाने भेजा गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने एक पक्ष रखा कि हम लोग पिछले 5-6 दिनों में जो विभिन्न आरोपियों को गिरफ्तार किया हम लोगों ने, जो गैंगरेप वाला मामला था, इसमें 2 बाल अपचारी थे वो तो बाल संप्रेषण गृह भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो 5 बालिग लोग थे उनसे पूछताछ, बहुत सारे तथ्य सामने आए पुलिस के पास। उसके अलावा पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जिसमें CDR एनालिसिस, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग, डम्प डेटा आदि चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे आए हमारे सामने जिसके लिए हमें बाल जो अपचारी हैं उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है, इस केस को और पुख्ता कर सकें हम लोग, प्लस इसमें और एविडेंस कलेक्ट कर सकें। जैसे कई सारे ऑडियो क्लिप्स में इस तरह की बातें हैं कि पैसे के लिए ब्लैकमेल करना बार बार बच्ची को, या फिर कोई ईयर रिंग की बात आ रही है कि वो तुमको दिया था, तो इस संबंध में बहुत सारे तथ्य अभी हैं हमारे पास, जिससे हमें पूछताछ करना आवश्यक है। प्लस जो ये 5 बालिग जो आरोपी हैं प्लस 2 बाल अपचारी हैं, इनके सबसे पूछताछ अलग अलग हो चुकी है, लेकिन इनके संबंध में और इनके आमने सामने करके पूछताछ करने जैसे बहुत सारे तथ्य हैं जो और हम लोग के सामने कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिक्वेस्ट किया, तो माननीय न्यायालय ने हमें कल 8 घंटे की अनुमति दी है कि जब हम बाल अपचारियों से पूछताछ कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग मिला है, जिसमें ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, एक्सट्रॉशन वाली जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो कॉल रिकॉर्डिंग मिला है उसमें वॉइस सैंपल भी मैच कराने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो उन चीज़ों के लिए हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन के लिए और उनके मिलान के लिए एविडेंस कलेक्शन के लिए कल इनसे पूछताछ करेंगे, और अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग पुनः रिमांड भी बढ़ाएंगे जो बालिग लोग हैं और बच्चे हैं जो बाल अपचारी हैं उनसे हमें जरूरत पड़ता है, तो हम माननीय न्यायालय से पुनः आग्रह करके इसको और बढ़ाने का रिक्वेस्ट करेंगे। सर आज कुछ आरोपियों को मेडिकल वगैरह वो तो रूटीन प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है कि प्रतिदिन पुलिस रिमांड पर होने रहने वाले आरोपियों का मेडिकल करना कंपलसरी है, तो उसी तारतम्य में गए थे बदल गए थे। अच्छा, चेक कर लेंगे।